शेरवानी जो है वो हाँ वो जो किसी को आए ना पहने हाँ। देखे ना हमने तो वो एक बेसर और सामानी के अलग में हमने देखा उसको चढ़ते बढ़ते उसमें भी खुश थे अब भी खुश है वो जो है मैडम जबरदस्त किस्म का जो है इन तारीखी शाहकार जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं इसके बावजूद मतलब महदूद वसाइल के बावजूद आपने बाहर भी ट्रेवल किया है ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से आप क्या देखती हैं कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं कंपेयरिंग और इस हवाले से जैसा कि अभी नाहिद साहब ने कहा ना देखिए एक वक्त आया था पाकिस्तान फिल्म पे कि बीडन रोड के दूध वाले के पास भी पैसे हैं तो उसने फिल्म बना ली बिल्कुल तो मतलब सॉरी मतलब शायद बहुत बुरा लगे मेरे मिसाल देना लेकिन ये मैं हमने देखा और फिर फिल्म कहाँ गई गई बिल्कुल तो फिर अगर हम यही करेंगे तो फिर तो ऐसा ही होगा आपको सही लोगों के पास प्रोडक्शन के पैसे होना चाहिए या देखना चाहिए था इनको कि कौन बना रहा है किस क्या उसका है अब ये फिर तो अंजाम ऐसे और ये क्यों सोचा जाता है कि सिर्फ ड्रामे पे ही जोर है जो एक लफ्ज भी एक मिनट भी जो है टेलीविजन या रेडियो का वो उतना ही इम्पोर्टेंट है बिल्कुल दीगर शो पे जो जैसे बाकी का बिल्कुल लाइटिंग पहले रिहर्सल मैंने वही कहा लाइट वाले भी बैठते थे चीफ कैमरामैन भी बैठता था वार्डरोब वाला भी आता था मेकअप मैन भी बैठ उसको पता होता था कि इस ड्रामे में कौन रोल है एक रिहर्सल हो रही है इसका क्या रोल है तो बाद में उनको गेटअप वेटअप उनके पता अभी आप सेट पे जाते हैं तो आपको दो लाइनें आपको पकड़ा देते हैं आपको कहते हैं कि जी बोले आपको पता ही नहीं कहानी क्या कहानी क्या है आपको पता ही नहीं कि अच्छा जब आप ड्रामा देखे अच्छा ये भी था इस ड्रामे में ये कहाँ था भाई ये शायद वो तन्हाइयां चल रहा था या अनकही हमें ठीक से याद है तो उसमें दिखाते हैं बिजली चली गई तो साथ ही ना डोर बेल बजती सलमा बेग को खाता जाता है कि बिजली गई हुई थी ये घंटी कैसे बजी हाँ बिल्कुल इतनी सेंसिटिविटी ड्रामे के हमारा ऑडियंस बहुत शार्प है इतना शार्प था बिल्कुल एंड दे आर वेरी अवेयर एंड दे आर वेरी देयर यू नो तो आप लोगों ने रुलाया भी बहुत है जी बहुत बहुत ऐसे ड्रामे हैं हमें याद है कि एक ड्रामा तो खैर शायद रिपीट टेलीकास्ट हुआ था उसमें बीना नाम का एक कैरेक्टर था सीढ़ियों से गिर के मर गए थे शकील के साथ पूरा पाकिस्तान रो रो कर आखिर उसको फोन करके कहा कि इस कैरेक्टर को बदलो उसको जिंदा करो इस हद तक हाँ देखिए ना अभी एक ड्रामा सीरियल चला है बहुत उसकी हाइट हुई बहुत अच्छा भी था और लोग कितने इन्वॉल्व थे अब लोग रो रहे कि वो दानिश मर गए वो चीज है जो आपके घरों के अंदर है तो आप फिर सोचिए कि इस पे आपको कितना हुकूमत को सोचना चाहिए वो घंटों तकरीर करते हैं हमारे सियासी लोग या जो भी वो नहीं असर करती एक ड्रामे का एक क्लिप जो है वो कितना असरअंदाज होता है बिल्कुल तो उस ड्रामे के जरिए वो क्या कुछ नहीं कर सकते कैसे अपनी कौम को वो चीजें नहीं दे सकते उस दौर में गालिबन 8 बजे का ड्रामा होता था जी खुदा की बस्ती कितनी बार टेली बहुत बार हुआ बहुत बार में जहूर अहमद उसमें जी जी अब आप देख रहे तो मतलब जब हमारा वारिस चलता था तो सड़के वीरान और क्या क्या कैसे कैसा ड्रामा था आप देखें सभी की सब आवाजें अभी हम समझते हैं अब जैसे आबिद अली की आवाज थी ये रेडियो है ना आबिद की वालदा भी रेडियो पे तलत हुसैन की वालदा भी रेडियो पे थी मेरी वालदा भी रेडियो पे थी तो ये सब लोग असर जो है वो कहीं ना कहीं तो फिर सामने आता है ना वो आवाजें वो खूबसूरती आवाजों की वो उतार चढ़ाव अच्छा अब ये जो एक इनडायरेक्ट जो है जब हमने पहले कहा था कि हम चूंकि सकाफत को ऑन नहीं करते प्रॉपरली ऑन नहीं करते हमें पता नहीं क्या एक क्रेज है कि रखना भी है और नहीं भी हम आमतौर पे अपने सारे इंटरव्यूज में एक बात कहते हैं कि हमने सकाफत को ना वो किया है हराम ना हलाल इसको मकरू कर दिया है और मकरू जो है वो ज्यादा बुरी चीज है कि जिसको आप कर भी रहे और दिल भी बुरे दिल के साथ तो इसीलिए उसके लवाजमात पूरे नहीं होते अभी रेडियो के बिकने की भी कई आवाजें आई यहाँ जो खरीदे चले वही अच्छे हो रेडियो खत्म करने के लिए बोझ बनते जा रहे हैं अभी पीटीवी के बारे में खबरें आ रही हैं आप एक बनाएं से जो देखें कि जो इस किस्म के इदारे हैं वो क्यों ऐसे हुए उसको जवान की तरफ कैसे गए खत्म कर लें तो
बजाय इसके कि बीमार को मार दें, बीमार के वो बिल्कुल उसको पिछली कभी तकरीबन एक सवाल क्या मुकाबला नहीं कर पा रहा क्यों नहीं कर पा रहा पृथ्वी तो मेरा दिल है मैं तो उसके बारे में पहली ईंट से उसके वहां हूँ और मैं तो चाहूंगी कि ये कभी भी ना पाए अल्लाह ताला इसको बहुत बेहतर करे मैं हमेशा कहती हूँ ये पाकिस्तान का टेलीविजन है और ये हम कहीं से लाए नहीं ये हमने इब्तदा एक कमरे से की थी तो इसको अल्लाह करे कि जो भी इसको इंजेक्शन चाहिए ये बेहतर हो जाए इसके पीछे रह जाने और दीगर चैनल्स के आगे आने में क्या चीज क्या दरमियान में क्या है जो हमें नजर नहीं आ रहा तो समझ में नहीं आया कि कैसे ऐसा इदारा जिसने सारों को मैं कहा था कि नर्सरी है ये बाकी सारे इसी से तो गए क्यों ऐसा हुआ तो ये क्यों ढूंढना तो इतना मुश्किल नहीं है आजकल क्यों को ठीक कर ले और इसको ना बंद होने इसको ना बंद बनाएंगे हम मर जाएं उसके बाद फिर आप बंद कर नहीं जी अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे तो तीन चार रह गए हम हमें जाने दे उसके बाद आप ये कर लीजिएगा बट नहीं नहीं हम नहीं चाहेंगे कभी पीटीवी जो है हमारी शनाख्त थी हमारी शनाख्त है और आज भी अगर किसी चीज को बतौर इदारा या उसको करते हैं तो वो पीटीवी को ही किसी ने अगर पीटीवी का दरवाजा देख लिया होता था या उस पर एक मुशायरा पढ़ लिया होता था तो वो उसका फखर से जो है क्योंकि अब तो चैनल्स की खपत है ना उनकी और मैयार कोई नहीं जो है बस जिनका अच्छा मैयार है वो बहुत मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगी लेकिन वो भी हमारे टेलीविजन से गए हैं तो उन लोगों ने वही प्रोड्यूसर्स वही प्रोड्यूसर्स वही राइटर वही अदाकार बिल्कुल बहुत अच्छा है फाइनेंशियली वायबल हो जाए चीज तो तभी चलेगी क्योंकि एक्टर ने भी तो रोटी खाना है गुलकार ने भी खाना खाना है उसके भी बच्चे हैं उसके भी बीमारियां भी साथ हैं और गैस और बिजली का बिल इतना है उसने वो भी देना है बेचारे ने तो कहाँ से देगा अच्छा अब पूरी अपनी अब तक की जिंदगी में क्या कोई कमी महसूस होती है कभी कोई या कोई कोई यादगार लम्हा है या कोई कोई ऐसा कोई रिग्रेट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाकया जिसने आपकी जिंदगी को कुछ चेंज किया हो या मैं बीच में बहुत छोड़ दिया था इसलिए कि छोड़ना तो क्या था हमारी कंटोनमेंट्स में पोस्टिंग होती रहती थी तो मेन रेडियो से टीवी से दूर हो जाते थे एक खातून बहुत फोन करती थी ढूंढ ढांड के हमारे नंबर तो उनने कहा मैं मिलने को आए मैंने कहा आप आ जाइए तो उनने कहा नहीं आपको आना होगा उनके काबिल ने फोन खैर किस्सा ये हुआ कि हम गए तो उन्होंने बहुत चाय वाय बनाई मैं उनके घर गई मेरी वालदा हयात थी उस वक्त तो अमरीका में रहती थी इतने 42 वर्ष तो अमरीका चली गई थी यहाँ से तुम्हारे अच्छा तो दरवाजा खुला तो एक पीढ़ी को समझ लें कि वो लगे हुए पहिए अच्छा। एक माजूर खातून और वो यूं करके जल्दी से आई और मैं उनको देख एक मिनट के लिए तो मैं भी चौंकी तो उनके खाविन बहुत अच्छे बहुत ही खुश लिबास अच्छे बजाय और वो सारे घर का किचन का काम करके आई थी उनके दो बच्चे भी थे जो बिल्कुल ठीक थे तो उनने मुझे कहा कि मुझे आप से मिलना था इसलिए कि मेरी वालदा की वो फैन थी उन्होंने कहा जब मैं इस बात से कि मेरी माजूरी थी मैं तंग आ जाती थी तो मेरे अब्बा कहते थे कि मैं रेडियो ले लूँगा तुमसे तो कहती मैं कढ़ाइयाँ करके और क्रोशे करके रेडियो पर रखती थी कि कब वो बोलेंगी इतवार को तो मेरा एक वो जो उनसे था तो मैं कहती थी हाय मुझसे रेडियो ले लेंगे तो मैं नहीं सुन सकूँगी आपा शमीन की आवाज़ है मोहिनी अमीर का ड्रामा तो कहती फिर मैंने अपने आप को इतने जज्बे से रखा मैंने पढ़ा लिखा भी और किया कि एक वो मुझे था कि मैं मुझसे रेडियो ना ले तो उसके बाद मैंने सोचा कि हम एक आवाज इस कदर असर कर सकती है इस कदर असर और ये एक लड़की है जो इसने उसने इतने चलगोजे निकाल के जमाने में चलगोजे सस्ते थे तो नाम लेना तो निकाले ने मुझे दिए कि आप अपनी मम्मी को ये पहुंचाना मेरी तरफ से सो ये जो है ना ये आवाज हाँ ये फीलिंग कि आप योर डूइंग सम गुड टू समबडी आपकी आवाज सुन के वो खुश हो रहा है तो ये सबसे बड़ा एहसास है बहुत ही कीमती हमें एक बार और अपने वर्षे को लेके हम चल रहे हैं तो आई थिंक होल को तो खुश होना चाहिए लोगों को कि आपके वर्षे को हम कायम रख रहे हैं आपके सूफी शोरा के कलाम को पहुंचाते हैं आपके बच्चों तक हम लोग बताते हैं उनसे मुतालिक आपको मेहनत करते हैं
ये हमारा काम था, वो हमने किया। आपके बस बच्चे जो हैं वो कहाँ पर हैं क्या? जी मैम, मेरे बच्चे सब फिर से ब्याहे हुए हैं और 8 मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। 2 ग्रैंड डॉटर्स मेरी यूनिवर्सिटी में है लंदन में और एक क्राइम क्रिमिनोलॉजी पढ़ रही है। अच्छा। और एक साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही है। अच्छा। दोनों जी, मेरे बेटा क्योंकि सबसे छोटा है बहनों में, उसके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, 7 और 9 बरस की उम्र के हैं, वो मेरे साथ हैं। और एक मेरी बेटी समान है, उसकी 2 बच्चियाँ छोटी हैं। और मेरे दामाद जो हैं वो भी टीवी पे बहुत उन्होंने काम किया, न्यूज़ नाइट, न्यूज़ मॉर्निंग भी करते थे। अभी वो क्योंकि सियासत से मुंसलिक हैं। अच्छा। तो वो अभी भी हर शो पे होते हैं, मुझसे ज़्यादा वो टीवी पे होते हैं। अच्छा। कम होती। आपने बहुत लंबा राज किया और अभी भी करती हैं। और मेरे बेटा टेलीविजन से उसका उसकी काम उसका टेलीविजन के साथ है, बिजली के साथ। तो ये मेरी छोटी सी दुनिया है, इसमें खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ने बहुत दिया। इशारा दीजिए मैडम, आपका एक बहुत बड़ा हवाला है स्क्रिप्ट तो हवाला। बेटा मैं, मुझे सब कमलापा कहते हैं। अच्छा, मैं कहाँ की मैडम हूँ? मैडम ही चली गई क्या? पापा मुझे बताएं कि स्क्रिप्ट, बेहतरीन स्क्रिप्ट जो है वो आपको, चाहे वो रेडियो में हो, रेडियो में तो था ही, और ड्रामा के हवाले से स्क्रिप्ट, और आपका पसंदीदा राइटर? मैंने रेडियो पे जितना ड्रामा किया, जो जब मैं जरा सी बड़ी हुई तो जो रोल्स मेरी मम्मी ने किए थे, जैसे अनारकली मैंने जब रेडियो पे किया तो मेरे लिए वो बहुत एक जिंदगी का अहम दिन था, बिकॉज मैं अभी 16 बरस की भी नहीं थी। और मेरी ये रोल हमेशा इम्तियाज साहब ने लिखा ही मेरी मम्मी के लिए था। लेकिन सितारा एक ड्रामा है सैयद इम्तियाज अली इम्तियाज साहब का रेडियो का, जो कि नायाब है बिल्कुल, इस कदर खूबसूरत है कि, और वो बुलावा भी बहुत खूबसूरत है। फिर अम्मी है अशफाक अहमद साहब का, और बानो आपा का एक प्ले है, और अखियाँ हैं इम्तियाज साहब का, यू नो, जिसमें अम्मी अंधी, बिल्कुल ऐसी है, वो बड़ा दिलचस्प है। वो बहुत खूबसूरत है। और ये मुझे याद है, आजकल के टीवी के ड्रामों में तो ये सब जो शुरू के हसीना के प्लेस थे, मैं बहुत बहुत शौक से बहुत देखती थी। लेकिन मैं बेसिकली एक एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं आई एम अ बैड एक्ट्रेस, मुझे बस बोलना आता है कि मुझे कमाल बोलती हैं, कितना ड्रामा करवा लीजिए, टेलीविजन की मैं एक्टर नहीं। आवाज दिल, आवाज है।